तो गुर्जरा डायनेस्टी को फाउंडर के फाउंडर कौन थे, गुर्जरा डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले कौन थे, नागा भट्टा थे, ठीक है। और प्रतिहारा खानदान के जो रूलर थे उन्होंने अपनी हुकूमत सिंध तक भी फैला दी थी। सिंध यानी जो पाकिस्तान में है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान पहले इंडिया का स्टेट था, ये बात हो रही है 800-900 साल पहले की। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 60 या 65 साल पहले इंडिया से अलग होकर कंट्री बना है, राइट बच्चों। पाकिस्तान पहले अलग कंट्री नहीं था, इंडिया का स्टेट था। पाकिस्तान में सिंध है जो आज तक भी वही नाम से है, सिंध, ठीक है। सिंध तक भी ये गुर्जरा खानदान के बादशाहों ने अपनी हुकूमत फैला दी। उसके बाद दे फॉट बैक द फ्रीक्वेंट अरब अटैक्स। जब अरब के लोगों ने अचानक हमला किया तो उसका भी इन्होंने जवाब दिया और मुकाबला किया। निहारा भोजा एंड महेंद्र पाला द पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी हैड डिफीटेड द पालास ऑफ बंगाल एंड एक्सटेंडेड देयर प्रतिहरा किंगडम टिल बंगाल। और ये प्रतिहरा खानदान के जो दो बहुत बहादुर बादशाह थे उनका नाम क्या था, निहारा भोजा और महेंद्र पाला। इन्होंने बंगाल के बादशाह से जंग किए और जंग करके उन्हें हरा कर अपनी हुकूमत को बंगाल तक भी फैलाया। यहाँ पे पाकिस्तान में सिंध तक फैलाया जो वेस्टर्न में है, और बंगाल जो कि ईस्ट में है वहां तक भी अपनी हुकूमत फैला दी। एन अरब ट्रैवलर नेम्ड सुलेमान हैड विजिटेड द कोर्ट ऑफ निहारा भोजा एंड हैज अप्रिशिएटेड द किंगडम एज इट हैड पीस। अरब के बादशाहों ने जब आके हिंदुस्तान में मुआयना किया, देखा, ऑब्जर्व किया, तो यहाँ के भाईचारगी को देखकर महेंद्र पाला महेंद्र मिहिरा भोजा और महेंद्र पाला के हुकूमत की तारीफ की कि आपके हुकूमत में अमन और अमान फैला हुआ है, सलामती फैली हुई है। आपके हुकूमत पाकिस्तान में आपके हुकूमत है, वेस्ट में पाकिस्तान तक आपकी हुकूमत है, ईस्ट में बंगाल तक आपकी हुकूमत है, और चारों तरफ आपकी हुकूमत की वजह से अमन और अमान फैला हुआ है। प्रतिहराज रूल डिक्लाइंड द रूल महिपला हु सक्सीडेड महेंद्र पला। ये प्रतिहराज खानदान की हुकूमत कब डिक्लाइन हुई, ड्यूरिंग द रूल ऑफ महिपला, ठीक है। महीपाला की जो हुकूमत चल रही थी जिसने महेंद्र पाला को हराया था, महीपाला जो कि बंगाल का बादशाह था, बंगाल का रहने वाला था, उसने बदला लेने के लिए मिहिरा भोजा और महेंद्र पाला से जंग की और महेंद्र पाला को हरा दिया। इसके वजह से गुर्जरा प्रतिहारा की हुकूमत खत्म होना शुरू हुई। उसके बाद घरवाला की हुकूमत शुरू हुई। चंद्रा देवा द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, ये घरवाला, ये खानदान का नाम है। इस खानदान ने हिंदुस्तान की हुकूमत की। इस हुकूमत की नींव रखने वाला कौन था, चंद्रा देवा। इस हुकूमत का फाउंडर कौन था, चंद्रा देवा। ही रूल्ड द नॉर्थन इंडिया कीपिंग वाराणसी एज इज कैपिटल सिटी। जब इसने इंडिया नॉर्थ इंडिया पर हुकूमत की तो वाराणसी को इसने अपना कैपिटल सिटी बनाया। नॉर्थ इंडिया यानी वो सारे स्टेट्स जैसे कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये सारे स्टेट्स नॉर्थ में आते हैं। और पाकिस्तान भी नॉर्थ में आता है और नेपाल भी नॉर्थ में आता है। नेपाल, पाकिस्तान, वेस्ट और बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे जो आज अलग अलग कंट्रीज है ये 800 साल पहले कंट्रीज नहीं थे, इंडिया का हिस्सा था। ये सारे स्टेट्स मिलके एक इंडिया होता था, तो ये सारे नॉर्थ में आते, ठीक है। तो नॉर्थ सारे नॉर्थ इंडिया पर गुर्जरा प्रतिहराज की हुकूमत खत्म होने के बाद घरवाला ने हुकूमत करना शुरू किया। और इस हुकूमत की बुनियाद किसने रखी, चंद्रा देवानी इस हुकूमत की बुनियाद रखी और अब वाराणसी को अपना कैपिटल सिटी बनाया। गोविंद चंद्रा इज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है।
चंद्रदेवा के साथ साथ गोविंद चंद्रा भी इस हुकूमत का एक और बहुत बहादुर बादशाह है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया बहुत बड़ा है, इसीलिए एक बादशाह हुकूमत नहीं करता था, एक से ज्यादा बादशाह हुकूमत करते थे। ही एक्सटेंडेड हिज रूल टिल मालवा एंड मगधा बाय डिफीटिंग पलास। तो फिर एक और मरतबा बंगाल के बादशाहों, बंगाल पर हुकूमत करने वाले पलास बादशाहों को डिफीट करके किसने, गोविंद चंद्रा ने मालवा और मगधा देहात तक, गांव तक अपनी हुकूमत को बढ़ा फैला दिया। He also defeated the king of Kalinga and Odisha। यहाँ पे साउथ में ओडिशा और कालिंगा के हुकूमतों को भी उसने हरा कर वहां पर भी उसने अपनी हुकूमत जमाई। The rulers of Kashmir, Gujarat and Chola had cordial relationship with Govindra Chandra। कश्मीर के बादशाह, गुजरात के बादशाह और चोला के खानदान के बादशाहों ने इसके साथ मिलजुल कर हुकूमत करना शुरू किया। इसके बाद घरवाराज की हुकूमत हो गई। हुकूमत के बाद परामराज की हुकूमत शुरू हुई। परामराज केम टू प्रोमिनेंस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ प्रतिहराज। ठीक है, प्रतिहराज, गुर्जरा प्रतिहराज की हुकूमत खत्म होने के बाद परामराज की हुकूमत शुरू हुई। ठीक है, उपेंद्र कृष्ण राजा, द फ्यूडोटरी किंग ऑफ राजकुतास, राष्ट्रकुतास, फाउंडेड दिस डायनेस्टी। ठीक है, फिर फ्यूडेटरी किंग मतलब क्या, फ्यूडेटरी मतलब जागीरदार यानी जागीर वाला, प्रॉपर्टी वाले को फ्यूडेटरी कहते हैं। ठीक है, फ्यूडेटरी किंग मतलब फ्यूडेटरी किंग ऑफ राष्ट्रकुतास, यानी ये जागीर वाला इस बादशाह की बहुत बड़ी जागीर थी, बहुत ज्यादा खजाने थे, इसीलिए इसे फ्यूडेटरी किंग कहते हैं। राष्ट्रकुता खानदान का किंग था, कि कौन था, उपेंद्र कृष्ण राजा एक बहुत अमीर बादशाह था राष्ट्रकुता खानदान का। उसने इस हुकूमत की बुनियाद रखी, किस हुकूमत की, परामराज हुकूमत की बुनियाद रखी। धारानगर वॉज देयर कैपिटल, और इसने धारानगर को अपनी कैपिटल सिटी बनाई। जैसा कि गुर्जराज खानदान के लोगों ने वाराणसी को अपने कैपिटल बनाया, इसी तरह परामराज खानदान के लोगों ने धारानगर को अपना कैपिटल बनाया। भोजा इज द मोस्ट पॉपुलर किंग ऑफ परामराज डायनेस्टी। ठीक है, भोजा इस डायनेस्टी का बहुत मशहूर किंग रहा। देखो बच्चों, एक खानदान में एक बादशाह नहीं होता, उसके मरने के बाद उसका बेटा बादशाह होता है, फिर उसके मरने के बाद उसका बेटा बादशाह होता है, तो एक खानदान में बहुत से बादशाह गुजरते हैं। तो भोजा भी एक बादशाह था जो बहुत मशहूर बादशाह गुजरा। He extended the Paramaras state by defeating Kalyani, Chalukyas, Gangas of Kalinga and Northern Konkans, though Bhoja experienced ups and downs in political sphere। ठीक है, इसने अपनी हुकूमत को इंडिया पर फैलाने की पूरी पूरी कोशिश की। इसी कोशिश में उसने चालुक्य खानदान के बादशाह को हराया और उसकी हुकूमत पर कब्जा किया। गंगास कालिंगा के, कालिंगा खानदान के बादशाह को गंगास कहते हैं, उन्हें भी इसने हराया। किसने हराया, भोजा ने, जो परामराज खानदान का बहुत मशहूर बादशाह था, उसने कालिंगा खानदान के गंगास को हराया एंड नॉर्थन कोंकंस को हरा कर अपनी हुकूमत को फैलाया। दो भोजा एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन्स इन पॉलिटिकल स्पीयर। भोजा को अपने बादशाही सियासत में बहुत ज्यादा ऊंच नीच, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, उसने कभी हारा नहीं। और वो एक बहुत बड़ा पोएट भी था, पोएम्स भी लिखता था। एज द किंग्स हु कम आफ्टर हिम वेयर वीक, द परामराज डायनेस्टी के लीडर। और इसके मरने के बाद जो इस खानदान के बादशाह गुजरे वो उतने बहादुर और उतने मशहूर नहीं थे, इसी वजह से इस परामराज खानदान की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई। भोजा जो है बहुत बड़ा, बहुत बहादुर और बहुत मशहूर बादशाह था, और वो पोएट भी था, पोएम्स भी लिखता था। ठीक है, और पोएम्स भी लिखता था और हुकूमत की बागडोर बहुत अच्छी तरह संभालता था। और उसने उसके हुकूमत के दौरान बहुत सी मुश्किलें भी पेश आई, बहुत से जंग लड़ने पड़े, बहुत सी दुश्वारी पेश आई, लेकिन वो कभी
हार नहीं माना। सारी जिंदगी उसने हिंदुस्तान के हुकूमत करने के बाद जब वो मर गया उसके खानदान में जो अगले जो बादशाह गुजरे वो बहुत कमजोर थे, इसी वजह से परमराज खानदान की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते हुए एक वक्त आया कि हुकूमत खत्म हो गई। इनके हुकूमत खत्म होने के बाद सोलंकी की हुकूमत करना शुरू किए।